रावण जो कि स्वयं एक परम ज्ञानी था, लेकिन अपने घमंड और शक्ति की वजह से उसने वो काम कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और वही एक काम उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण बुराई का प्रतीक था, लेकिन उसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, जिसके चलते उसने लक्ष्मण को तीन बातों के बारे में बताया। आज हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के जरिए आज हम उन तीनों बातों को जानेंगे और समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, जब रावण तीर की वजह से जमीन पर पड़ा अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तो उस वक्त श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण एक महाज्ञानी पंडित है, उसके जैसा ज्ञान इस संसार में किसी दूसरे के पास नहीं है, अतः तुम उसके पास जाओ और जो भी ज्ञान वो तुम्हें दे उसे प्राप्त करो। राम की बात सुनकर लक्ष्मण रावण के पास गए। जमीन पर पड़ा रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और लक्ष्मण जाकर उसके सर के पास खड़े हो गए और बोले, हे रावण, तुम बहुत ज्ञानी हो, अपने आखिरी समय में मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताकर जाओ। रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा और अपना मुंह फेर लिया। लक्ष्मण ने एक बार फिर यही प्रश्न किया, लेकिन रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा भी नहीं। रावण का यह व्यवहार देखकर लक्ष्मण गुस्से से राम के पास गए और जाकर सारी बातें उन्हें बताई। लक्ष्मण की बातें सुनकर श्री राम बोले, गुरु से शिक्षा उनके पैरों के पास बैठ कर ली जाती है, ना कि उनके सर के सामने खड़े होकर। राम की बात सुनकर लक्ष्मण फिर से रावण के पास गए, रावण के पास जाकर उसके पैरों के पास बैठ गए, जिसके बाद रावण ने लक्ष्मण को तीन बातें बताई जो कि सिर्फ लक्ष्मण के लिए नहीं बल्कि आज हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी। पहली बात रावण ने जो बताई, किसी भी शुभ कार्य को करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, कोई भी अच्छा काम जितना जल्दी हो सके उसे कर लेना चाहिए, और वही कोई बुरा काम हो तो उसे हमेशा टालते रहना चाहिए। दूसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, अपने शस्त्र या प्रतिद्वंदी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और तीसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, अपने जीवन की ऐसी गुप्त सीक्रेट बात जिसमें आपको भविष्य में खतरा या परेशानी हो, वो बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, फिर चाहे वह अपना भाई ही क्यों ना हो। रावण अपने भाई विभीषण को अपनी मृत्यु का राज उसे अपने भाई समझकर बताया था, लेकिन विभीषण ने उसका अपना भाई होकर भी शस्त्र को उसका वो राज बताया जिसमें उसके भाई की जिंदगी थी। दोस्तों, यह तीन बातें आज हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, अतः ये तीनों बातें अगर अपने जीवन में फॉलो करोगे तो आप कभी भी जिंदगी में असफल नहीं होगे और एक खुशमय जीवन व्यतीत करोगे। आई होप ये तीन ज्ञान की बातें आपको अगर काम आए और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।